रोज की तरह छोटे से वीडियो में कवर करेंगे आज के दिन की उन तमाम खबरों को जो बिहार में शिक्षकों से या शिक्षक बहाली वाले कैंडिडेट से जुड़ी हुई खबरें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट मिलता रहे। पहली खबर आपके स्क्रीन पर फील गुड फैक्टर देने वाली खबर है। अब फील गुड फैक्टर इसमें नहीं है किसी का वेतन रुका है, फील गुड फैक्टर इसमें है कि जो मौजूदा महीना है, जो अब सैलरी आने को है, इसमें शायद लेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खबर में, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO का वेतन पर रोक इसलिए क्योंकि सैलरी का भुगतान टाइम पर नहीं हो रहा था। इसलिए अब ये एक्सपेक्ट कीजिए कि अभी नया महीना शुरू हुआ है, अगले कुछ दिनों के अंदर चाहे आप किसी भी ज़िले के हैं आपकी सैलरी आ जाएगी। वैसे भी कुछ ज़िलों की सैलरी शायद आ भी गई है, 2 से 3 ज़िलों का मैं श्योर हूँ कि सैलरी आ गई है। हालांकि आज 1 ही तारीख है, उसके बावजूद भी सैलरी आ गई है और बाकी ज़िलों में भी जल्दी ही आ जाएगी। तो ये खबर है जो आज के तमाम अखबारों में आपको मिलेगी। इसके लिए अगली खबर का रुख करते हैं, शिक्षक की मौत पर KK पाठक सहित 3 पर परिवार, DM और DEO पर भी परिवार कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर की ये बात है, लू लगने से शिक्षक की मौत हुई थी। एक सोशल मीडिया में बड़ा ये खबर जो है वो फैली थी आज से कुछ दिन पहले और उसी से रिलेटेड ये वाली खबर है। अगली खबर का रुख करते हैं, तीसरी सक्षमता के बाद ही शिक्षकों का पदस्थापन। अब सोचिए कि जो पहली सक्षमता परीक्षा में जो भी टीचर पास हुए हैं वो तो थोड़े चीटेड महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए ये खबर आ रही है कि अब वैसे भी इलेक्शन के बाद ही होना था, जो पहली सक्षमता परीक्षा में पास हो गए उनका इलेक्शन के बाद ही होना था, लेकिन अब ये यहाँ पर, हालांकि इस पर अभी भी फाइनल नहीं है, कोई लेटर नहीं निकला है, लेकिन शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है ऐसा आज के अखबारों ने कंटेंट डाला है, आर्टिकल पब्लिश किया है। तो आज के दिन में काम की खबरें यही तमाम हैं, बाकी आज स्कूल बंद है, आगे वर्किंग डेज में और भी खबरें आएंगी, तो जैसे कोई खबर आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।